नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और खास प्रोग्राम मुद्दा में। जी हां, आज हम एक विशेष बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लेकर। जीएसटीवी की टीम यानी गुजरात समाचार टीवी जीएसटीवी की टीम ने ऐसे कई क्षेत्रों का, कई सांसदों के क्षेत्रों का और गाँव का दौरा किया और पाया कि आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद जो गाँव गोद ले रहे हैं वो पहले से ही अच्छे गाँव हैं, यानी कि वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, स्कूल कॉलेज हैं, पक्का मकान है, बिजली है और वाईफाई भी कहीं कहीं है। जी हाँ, अब सवाल उठता है क्या इन सांसदों को प्रधानमंत्री की नेक योजना, नरेंद्र भाई मोदी की जो योजना थी, ये एक नेक योजना मानी जाती थी कि गाँव को फ़ायदा होगा, लेकिन क्या इन सांसदों को कोई दिशा निर्देश है या नहीं है, या इनके चयन में क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए वो नहीं बरती गई, इस पूरे मसले पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। आमोद जी जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कन्वर्जेंस के लिए ये भी काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ के लिए काम करते हैं, और रश्मि जी सिविल सर्वेंट हैं और कन्वर्जेंस इंडिया के लिए काम करती हैं कई क्षेत्रों में, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रश्मि जी, ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगा था कि जयप्रकाश नारायण का जो सपना था ये सर्वोदय ग्राम योजना, फिर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नरेंद्र भाई मोदी की बहुत अच्छी योजना थी और इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल था कि खासकर कि जितने सांसद हैं चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा को, एक एक गांव भी कर देंगे तो काफ़ी गांव का भला हो जाएगा। लेकिन क्या चुनने में आनंद फानन में ये सांसद कुछ भी चुन रहे हैं? वो ऐसे गाँव चुन रहे हैं जो बड़े व्यापारियों का गाँव है, खुद व्यापारी ही उसको बना रहे हैं, जो बड़े NRI का गाँव है, खुद NRI ही उसको ठीक से बना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस योजना में जो शुरुआती दौर में जो चीज़ सोचा जाना चाहिए या जो दिशा निर्देश होना चाहिए वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है? जी, मुझे लगता है पहले तो कि आपने जो कहा कि बहुत अच्छी योजना थी या सोच अच्छी थी, मुझे लगता है अभी भी ये अच्छी योजना है, सोच बहुत अच्छी है। और मैं अभी PhD भी कर रही हूँ कन्वर्जेंस के मुद्दों पर। तो जब हम किसी भी चीज़ को, एक नए मॉडल को की जब बात करते हैं, तो जब तक कि वो दिखता नहीं है ना मॉडल, जमीन पे मॉडल जब तक दिखता नहीं है कि आदर्श ग्राम की बात हो रही है, लेकिन आदर्श ग्राम हो क्या, मतलब अगर हम उसको पेपर पे बस दिखा दें और जमीन पे अगर वो नहीं दिखे, तो फिर लोग अपना जो मापदंड बनाना है कि भाई आपने कहा कि नहीं अच्छे जो गाँव हैं उनका चयन किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि भाई कोई भी जो अच्छे गाँव हैं उसमें, मतलब एक क्या परफेक्ट सिचुएशन में है, शायद परफेक्ट सिचुएशन में नहीं होंगे, उसमें भी कई तब्दीलियां जो है, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है तो वो स्कूल में क्या टीचर जो है वो हमेशा समय पे आ रहे हैं, बच्चों का अटेंडेंस रेट क्या है, एनरोलमेंट क्या है, तो एक स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का। बिल्कुल। तो अभी का जो फेज़ है ना, मुझे लगता है अभी के फेज़ में उस तरह की आधारभूत ढांचों के अलावा जो गुणवत्ता वाली बात है कि हम कैसे क्वालिटी को मेजर करें, क्योंकि ऊपर से जो दिख रहा है कि नहीं सब कुछ बड़ा सुंदर है, लेकिन यदि हम देखें कि हेल्थ सेंटर सुंदर है लेकिन हेल्थ सेंटर में क्या मेडिसिन आ रही हैं, क्या डॉक्टर आ रहे हैं तो क्या वो समय पे आ रहे हैं, तो इन मापदंड पे, तो हर ग्राम जो ऐसा ऐसा चयन होता है तो उसके मापदंड अलग अलग होंगे। कोई हम सोचे कि एक स्टैंडर्ड मापदंड बन जाएगा सबके लिए, तो सबको जो है बैठ करके वो भी समुदाय के लोगों के साथ में ये तय होता है कि भाई हम आज यहाँ पे हम कहाँ जाना चाहते हैं, और जिस दिन लगेगी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, हमारे रोड मैप को ये हो गया है, फिर हम कह सकते हैं हाँ यह ग्राम जो है वो आदर्श ग्राम हो गया है। तो इसलिए जो है हमें सिर्फ उस पर नहीं जाना चाहिए कि वो देखने में तो बड़ा संपन्न है, तो और उसमें जो है जो टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं उसको पूरी तरह से विकसित करने में, एक आदर्श ग्राम बनाने में, उस अनुभव को फिर इस्तेमाल किया जा सकता है अन्य ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने में। बिल्कुल। अमोद जी, एक सवाल आपसे उठता है कि क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय को कोई मापदंड या कोई ऐसा दिशा निर्देश उन सांसदों को नहीं देना चाहिए था कि जो आप गाँव चुन रहे हैं तो क्या क्या उस समय देखें और क्या करें और क्या ना करें, कैसे किस तरह से चुने? क्या ये टेलीविज़न चैनल की जिम्मेदारी बनती है या मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि GSTV की टीम ने रिसर्च किया गुजरात के बहुत सारे क्षेत्र गाँव सांसदों के उन गाँवों को और पाया कि ये गाँव फिट नहीं है, NRI का गाँव है? कई हमारे पास गुजरात समाचार के कई मेल आए हुए हैं और जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो कौन कौन से लोग हैं। मनसुख मंडावलिया राज्यसभा के मेंबर हैं और एडॉप्टेड विलेज है उग मेदी,
और कहा जाता है काफ़ी संपन्न गांव है, डायमंड ट्रेडर्स का गांव है ये, और वही ट्रेडर्स मिलकर उस सारे गांव को ठीक कर रहे हैं। इसके एक एक और गांव की मैं चर्चा करना चाहूँगा, देवू सिंह चौहान हैं, एमपी हैं खेरा के, और उन्होंने जो गांव चुना है वो बेहलाल गांव है, और बेहलाल कहे तो एनआरआई का गांव है, गुजराती एनआरआई जो खुद पैसा दे के भेज रहे हैं और उस गाँव को डेवलप कर रहे हैं। वहाँ आरसीसी रोड है, कॉलेज है, अस्पताल है, सब कुछ है। तो क्या ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि भाई आपको हम बताएं कि यहाँ ये गलत हो रहा है? यहाँ क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको सांसदों को एक दिशा निर्देश दें, कोई टिप्स दें कि भाई इस तरह से करें, हमें भी एक बार दिखा लें, आनन फान में जिसको मन हो रहा है जो चुन रहा है वो? नहीं, मीडिया की देखिए हमेशा जिम्मेदारी रहेगी, चाहे ग्रामीण मंत्रालय गाइडेंस दे या नहीं दे। किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों को जागरूक करना, लोगों को भिन्न भिन्न पहलू दिखाना मीडिया की जिम्मेदारी है, वो तो आपकी रहेगी रहेगी। अब मुद्दा ये है कि हाँ, क्या MPs को तैयार किया गया? निश्चित रूप से ये एक समस्या होती है हमारे जो डेमोक्रेसीज़ हैं, जहाँ पे MPs की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जो लोक प्रतिनिधि हैं, MP हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो आपके कॉरपोरेटर्स हों, उनको एम्पावर नहीं किया जाता कि वो अपने क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से देखें। देखिए, गवर्नेंस आजकल पुराना तरीका नहीं रहा कि एक राजा बैठे हैं, वो जो डिसाइड कर रहे हैं वही गवर्नेंस हो जाएगी। ये एक एक साइंटिफिक चीज़ हो गई, अब ये एक आर्ट है जिसको सीखा जा सकता है और इसको सीखा जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनको एम्पावर किया जाए। आप देखिए कि किसी भी MLA या MP या कोऑपरेटर के पास ऐसे विशेषज्ञ नहीं होते जो उनको ये गाइड कर सकें कि किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको वो कैसे मेज़र करें, कैसे मेज़र करें। उनके पास कोई ऑफिस नहीं होता इस तरह का, जिसमें ना ही उस तरह की कोई ग्रांट इस तरह की उनके पास होती कि वो किन्हीं विशेषज्ञ ग्रुपों को या NGOs को या एकेडमिशिया को वो हायर कर सकें और इस तरह के प्रोजेक्ट, सॉफ्ट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। हार्ड प्रोजेक्ट तो समझ में आता है कि भाई ये बिजली का खंभा लगा दिया, यहाँ पे वो लगा दिया। तो ग्रामीण मंत्रालय को जो है ये जरूर देखना चाहिए कि इनफैक्ट पूरी सरकार में ये बात होनी चाहिए कि कैसे MP अपने क्षेत्र का मास्टर प्लान डेवलप करे, कैसे MLA अपने क्षेत्र का मास्टर प्लान डेवलप करे, विकसित गांव कौन सा होगा। जैसे रश्मि जी कह रही हैं वही बात कि किन पैरामीटर्स को हम विकसित मानेंगे, क्या हम सीमेंट की बनी हुई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को विकास मानेंगे, या हम ये देखेंगे कि कितने लोग जो भी वंचित वर्ग हैं उन तक किस तरह से सेवाएं पहुंच रही हैं उसको हम विकसित मानेंगे। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पे विचार किया जाना है, जिस पे एक विकास होना चाहिए। इनफैक्ट MPs और MLAs और जितने भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसके साथ उनको इस तरह के संसाधन दिए जाने चाहिए जो वो एक तो अगर आप देखें तो अभी तो बहुत सारे MLAs को MPs को यही नहीं पता होगा कि उनके क्षेत्र में कितनी सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा सकती हैं, कितनी स्कीम्स हैं, कितना पैसा फ्लो कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि देखिए ये लर्निंग लेसन भी होगा, लर्निंग लेसन होगा, और शायद जिन मुद्दों पे कभी ध्यान नहीं गया होगा तो इस आदर्श ग्राम के जो एक एक्सपेरिमेंटेशन फेज है उस एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज से चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए भी कई बार जो है मतलब मापदंड के अलावा कि क्या प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस के बारे में कि भाई जन भागीदारी से क्या क्या संभव है, तो कई बार वो लोकल पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल जो हमारे अभी ग्राम सभा है, हमारी ग्राम पंचायत है, लेकिन शायद उनको पूरी तरह से अभी भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उनके पोटेंशियल को देखते हुए यदि वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, व्हाट वर्क्स, व्हाट वर्क्ड, व्हाट मेड द डिफरेंस, कैसे फर्क आया, तो और क्या फर्क आया, जी, क्या फर्क आया। और मापदंड की बात मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए टूल्स चाहिए। मेजरमेंट जो हम कहते हैं कि भैया परिवार में विकास हुआ, तो हम कैसे बोले कि परिवार में विकास हुआ, वो क्या क्या मापदंड हो, तो उन टूल्स पे काम करने के लिए जो है विशेषज्ञों की भी जरूरत है कि वो बता पाए कि भैया कैसे विकास हुआ। एक सामुदायिक विकास होता है और दूसरा एक परिवार का, पता चला कि नहीं पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का तो विकास है लेकिन वहीं पे कोई परिवार पीछे रह गया, अभी भी जो है बेटी की जल्दी शादी हो रही है, अभी भी वहाँ पे घरेलू हिंसा है, तो क्या वो आदर्श ग्राम है? मेरी नज़र में वो नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
गवर्नेंस को एक विज्ञान के रूप में देखा जाए तो वो एमपीज़ एमएलएज़ जितने भी लोग हैं उनको जो अभी ऑफिस दिए जाते हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें सिर्फ उनको मोहर लगानी है और उनको एक पीए है जो अकाउंटेंट वो उसका हिसाब किताब रखता है उनके अपॉइंटमेंट वगैरह का, तो इसलिए वो उन क्षेत्रों से तो बिल्कुल हट ही जाते हैं। फिर रात का पूरा टाइम उनका रहता है सामाजिक कार्यों में कि इसकी शादी में जाना है, उसके बर्थडे में जाना है। कई बार मैं ऐसे ऐसे संसद सदस्यों से मिला हूँ जो रात को सोने से पहले बीमार से पड़ जाते हैं क्योंकि वो इतनी शादियाँ अटेंड कर चुके होते हैं कि उनके पास इतना वक्त ही नहीं बचा है कि सुबह मतलब कुछ और सोच पाएंगे वो। तो ऐसे हालात में ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही है बहुत अच्छी है और इसको हमें ये अभी ये पहलू ज़रूर होंगे कि कुछ लोग शॉर्टकट मारने के लिए कुछ आसान गांव ले लेंगे, कुछ लोग उसे ज़्यादा सीरियसली लेंगे, कुछ लोग तो उससे जो है ना आपके सामने बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये सवाल कम से कम उठने लगा है, ये मेरे को इसी बात की खुशी है कि एक जो है न्यूज़पेपर और आपका चैनल जो है आप इसमें आगे बढ़ के इस सवाल को उठा रहे हैं। जब ये सवाल उठेगा तो इसके उत्तर भी आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये इतना मतलब ग्लूमी पिक्चर नहीं है, हम तो इसे काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं कि आशा है कि इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और वो प्रोसेसेस अपनी जगह पे आनी शुरू होंगी। आज आप अमेरिका के सेनेटर को देखें, उसके पास बहुत बड़ा ऑफिस होता है, उसके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो वो एनजीओ सेक्टर से एकेडमिशिया से हायर कर सकता है, उसका पूरा उसके पास एक अपने क्षेत्र का मास्टर प्लान डेवलप करने का पूरा सिस्टम होता है, उसको मेजर करने का सिस्टम होता है क्योंकि उसे जवाबदेही देनी होती है अपने वोटर्स को कि उन्होंने किया क्या क्या किया। तो अभी वो जागरूकता की ज़रूरत है और सरकार को भी संसाधनों को उस तरह से डिवाइड करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एमपी के पास या एमएलए के पास संसाधन नहीं है, उनको इतना बांधा गया है संसाधनों को और वो शायद बेईमानी ना हो इसलिए बांधा गया है इस बात से लेके, लेकिन अब मैच्योरिटी आनी चाहिए और उसके और तरीके हैं कि उसमें कैसे अकाउंटेबिलिटी वगैरह फिक्स की जाए। तो मेरे ख्याल से ये छोटा कदम है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री की इतनी अच्छी सोच को किस तरह से आप इन गाँव का चयन करें, इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले आए, जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ उसके बाद जब स्टाफ का डिवीजन हुआ तो उन्होंने ये चीज़ कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज किया अपने पास कि अच्छे स्टाफ कैसे आए लोगों के पास, मंत्री के पास। तो एक अपॉइंटमेंट का जो एक तरीका था उन्होंने कहीं ना कहीं उसको एक ब्लॉक किया और कुछ अच्छे लोगों को उसमें लाया। तो इस तरह से गांव के चयन में सांसद कैसे गांव चयन करें, इसके लिए एडवाइजरी कमेटी की कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि वो आए, क्योंकि आप सांसद सारे सांसद उतने अच्छे या उतने साक्षर नहीं है या उस हिसाब से अवेयर नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। वो सीधा जिलाधिकारी से लिस्ट मांगते हैं कि पूरे गाँव का लिस्ट भेज दो भाई, इसमें मेरा ससुराल और मेरा घर छोड़ देना और उसके बाद वो चुन लेते हैं। देखिए, जब आप एडवाइजरी कमेटी की बात होती है एडवाइजरी कमेटी में कौन लोग हैं, तो कई बार जो है ना वो थ्योरेटिकल और वैसे एक्सपर्ट्स जो कभी गांव में गए ही नहीं हो, ठीक है, जिनको गांव की वस्तु स्थिति का पता ही नहीं हो, और फिर जो है वो अपने आंकड़ों के हिसाब से कुछ तो चयन कर लेंगे। लेकिन दूसरा होता है कि